ओ भाई, यहाँ पर आप एचपी पे गौर से देखिए, यहाँ देखिए 390 एचपी है, समझ सकते हैं आप, 390 एचपी, कितना ज्यादा एचपी है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो वीडियो क्लिप है, ये बीआर रैंक मोड का वीडियो क्लिप है, तो मतलब कि ये बिल्कुल ही सही है कि आप अपना एचपी को 390 कर सकते हैं फुल मैप गेम के अंदर। और ये सब आप जो है ना कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का हेल्प से कर सकते हैं। और यूट्यूब पे जो है ना ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन एचपी किंग करके बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एचपी किंग करके जो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है ना, इसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, मतलब कि आप किन किन कैरेक्टर का यूज करके आप अपना मैक्सिमम एचपी 390 तक कर सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद आगे मैं बताने वाला हूं इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का आपको क्या क्या एडवांटेज मिलने वाला है, और इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का क्या क्या आपको डिसएडवांटेज मिलने वाला है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद आप लोग खुद ब खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि ये जो एचपी किंग करके कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है ये आपके लिए अच्छा है या बेकार है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो फ्री फायर गेम में बहुत 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 सारा कैरेक्टर है, लेकिन हमें अपने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यानी कि 390 एचपी तक ले जाने के लिए हमको दो ही कैरेक्टर की आवश्यकता है, जिसमें से पहला कैरेक्टर तो लुकिटा कैरेक्टर है। तो चलिए हम लुकिटा कैरेक्टर की एबिलिटी को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लुकिटा कैरेक्टर की एबिलिटी है कि जैसे ही लुकिटा कैरेक्टर किल करता है इसका मैक्सिमम एचपी बढ़ जाता है, ठीक ना। आप यहां देख सकते हैं कि यहां लुकिटा कैरेक्टर से हम एक किल कर लिए हैं, तो मेरा मैक्सिमम एचपी 225 हो गया, ठीक। और जैसे ही हम यहां देखिए, मैं जिपलाइन से यहां उतरा, यहां इनिमी है, इनिमी को यहां मैं हेडशॉट मारता हूं, डाउन कर देता हूं उसका। जैसे हम इसको किल करेंगे यानी फिनिश करेंगे, मेरा मैक्सिमम एचपी बढ़ जाएगा। अब यहां मेरा मैक्सिमम एचपी को देखिए, अब मेरा मैक्सिमम एचपी 250 हो गया, और मेडकिट मार करके मैं 250 एचपी फुल कर लूंगा। इस तरह से मैं लुकिटा कैरेक्टर का यूज करने के बाद ना पूरा गेम 250 एचपी के साथ खेल सकता हूं। उसके बाद देखिए मैं आपको दिखाता हूं आगे ये जो ना वेस्ट में लगने वाला अटैचमेंट, वेस्ट एचपी बूस्टर, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसको जैसे ही हम वेस्ट में अटैच करते हैं, जैसे ही लगाते हैं, मेरा मैक्सिमम एचपी बढ़ जाता है। अब यहां देखिए मेरा मैक्सिमम एचपी कितना हो गया, 270 हो गया। इस तरह से लुकिटा कैरेक्टर और वेस्ट एचपी बूस्टर की मदद से मेरा मैक्सिमम एचपी 270 हो गया, ठीक ना। हालांकि यहां पर 270 एचपी तक पहुंचने के लिए मैंने वेस्ट एचपी बूस्टर का यूज किया है, लेकिन वेस्ट एचपी बूस्टर आपको बहुत इजीली मिल जाता है, इसलिए मैंने पहले कुछ नहीं बोला, ठीक ना। उसके बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां लुकिटा कैरेक्टर है, लुकिटा कैरेक्टर के हेल्प से ही आप 270 एचपी तक पहुंच सकते हैं, और ये 270 एचपी परमानेंट हो गया, आप पूरा गेम में 270 एचपी के साथ गेम प्ले कर सकते हैं। तो लुकिटा कैरेक्टर यूज करने से हम लोग 270 एचपी तक पहुंच गए, लेकिन हम लोग को जाना है 390 एचपी तक। तो इसके लिए हम लोग को जो है ना लुकिटा कैरेक्टर के साथ जो दूसरा कैरेक्टर यूज करना है ना, वो करना है एक्सियन कैरेक्टर। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक्सियन कैरेक्टर है और ये एक एक्टिव स्किल स्लॉट कैरेक्टर है। तो चलिए हम लोग एक्सियन कैरेक्टर की एबिलिटी को थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पे गौर से देखिए, यहां मैं एक्सियन कैरेक्टर यूज कर रहा हूं और मेरा एचपी देखिए 200 है, लेकिन जैसे मैं एक्सियन कैरेक्टर की एबिलिटी ऑन करता हूं, मेरा एचपी देखिए 320 हो गया, ठीक ना। तो मतलब यहां पर एक्सियन कैरेक्टर का एबिलिटी ऑन करने के बाद मेरा 120 एचपी बढ़ गया। तो मतलब आपको समझ में आ गया कि एक्सियन कैरेक्टर अपना एबिलिटी जैसे ऑन करेगा हम लोग को 120 एचपी मिल जाता है, मतलब कि लुकिटा कैरेक्टर 270 एचपी तक दे देता है। उसके बाद हम लोग अगर इसके साथ एक्सियन कैरेक्टर का यूज कर लेते हैं, तो जैसे हम लोग लुकिटा प्लस एक्सियन दोनों कैरेक्टर का यूज करते हुए एक्सियन कैरेक्टर की एबिलिटी ऑन करेंगे, तो हमारा जो मैक्सिमम एचपी 390 तक चले जाएगा, मतलब इनिमी हम लोग को मार ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग के पास बहुत 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 ज्यादा एचपी हो जाएगा, मतलब 390 एचपी। आप सोच सकते हैं, खुद ब खुद सोच सकते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया ना किस तरह हमारा एचपी 390 हो जाता है। पहले तो हमारे पास वेस्ट एचपी बूस्टर होना चाहिए जिससे 20 एचपी बढ़ता है, उसके बाद अगर हम लोग लुकिटा कैरेक्टर का यूज करते हैं तो उससे 50 एचपी बढ़ जाता है, जिस कारण से हमारा मैक्सिमम एचपी 270 हो जाता है।
लेकिन जब हम लोग एक्सियन कैरेक्टर जो एक एक्टिव स्किल स्लॉट कैरेक्टर है उसकी एबिलिटी का यूज करते हैं, इस कारण से हमारा जो कुछ समय के लिए 120 HP बढ़ जाता है, जिससे कि हमारा टोटल HP जो है ना फुल मैप गेम हो कि रैंक गेम हो कि क्लास स्क्वाड गेम हो वहां पर जो है ना 390 HP तक पहुंच जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह हम लोग का जो है ना HP 390 तक हो जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो मैंने आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताया है उसका क्या एडवांटेज है, उसका क्या डिसएडवांटेज है, और आपको यूज करना चाहिए ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कि नहीं यूज करना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का एडवांटेज जानेंगे। तो एडवांटेज सीधी सी है कि हमारा HP इतना ज्यादा हो जाता है, भले ही HP कुछ ही देर के लिए बढ़े लेकिन उस शॉर्ट टाइम में जो इनिमी हम लोग को मार ही नहीं पाएगा। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए मेरा HP कितना ज्यादा हो जाता है, 390 HP, इनिमी हमको मार ही नहीं पाएगा क्योंकि मेरा HP नॉर्मली 200 रहता है ना, उससे लगभग में डबल HP हो गया, मतलब दो इनिमी को मारने के बराबर हमको मारना पड़ेगा। इस कारण से हमारा HP इतना ज्यादा हो जाता है कि इनिमी हम लोग को मार ही नहीं पाता। ये सबसे बड़ा इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का एडवांटेज है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि यहां पर हम लोग एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर जो कि एक्सियन नाम का है उसका यूज कर रहे हैं, तो उसका जो चार्जिंग टाइम है 100 सेकंड है, इसलिए जो आपको एक्सियन कैरेक्टर का एबिलिटी यूज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा क्योंकि मेन टाइम पे उसकी एबिलिटी चार्ज ही नहीं रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैं इनिमी से फाइट कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास एक्सियन कैरेक्टर की एबिलिटी चार्ज ही नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ना एक्सियन कैरेक्टर एबिलिटी चार्ज करने में, इसलिए यहाँ पर चार्ज ही नहीं है। और ये देखिए मेरा फ्रेंड किल चुरा लिया, तो मतलब ये डिसएडवांटेज हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्जिंग टाइम है। जबकि हम लोग अदर कोई एक्टिव स्किल कैरेक्टर की बात करें, जैसे कि हम लोग स्कैलर की बात करें, के कैरेक्टर की बात करें, वो लोग जो अनलिमिटेड टाइम तक HP देता है और चार्जिंग की तो कोई बात ही नहीं है, तो वहाँ जो एक्सियन कैरेक्टर बहुत ज्यादा पिछड़ जाता है चार्जिंग में। उसके बाद आगे एक्सियन कैरेक्टर की दूसरी डिसएडवांटेज की बात करें तो एक्सियन कैरेक्टर केवल 6 सेकंड के लिए HP देता है, मतलब बहुत कम समय के लिए HP देता है। तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइमर घटते जा रहा है वैसे वैसे मेरा HP भी घटते जा रहा है, मतलब समझ में आ गया कि ये परमानेंट आपको HP नहीं देता है। एक तो थोड़ा समय के लिए 1 सेकंड के लिए आपको 120 HP देता है, जबकि उसके अगले सेकंड में 20 HP घट जाएगा, उसके अगले सेकंड में 20 HP घट जाएगा, इस तरह से 6 सेकंड में जो है 120 HP पूरा खत्म हो जाता है, मतलब कि आपको टेम्प्रोरी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए 120 HP मिलता है। मतलब आप समझ सकते हैं, खुद ही समझ सकते हैं कि एक्सियन कैरेक्टर HP तो 120 देता है जो कि OP एबिलिटी है, लेकिन इतना कम समय के लिए देता है ना कि मतलब अगर इनिमी आपके ऊपर रस नहीं किया या आप इनिमी के ऊपर रस नहीं किए उस शॉर्ट टाइम पीरियड में, मतलब 3-4 सेकंड के अंदर अगर आप इनिमी पे रस नहीं किए या इनिमी आप पे रस नहीं किया तो एक्सियन कैरेक्टर की एबिलिटी जो बेकार हो जाता है। एक तो चार्जिंग इतना ज्यादा टाइम लेता है, उसके चार्ज होने के बाद भी ना एक्सियन कैरेक्टर की एबिलिटी का जो बेकार होने का बहुत 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 ज्यादा चांसेस होता है, इसलिए जो ना एक्सियन कैरेक्टर बहुत ज्यादा OP कैरेक्टर नहीं है फ्री फायर गेम के अंदर। और आपको लग रहा होगा कि 390 HP मतलब बहुत ज्यादा HP हो जाता है, बहुत ज्यादा HP हो जाता है जिस कारण से हमको कोई इनिमी नहीं मार पाएगा, लेकिन ये जो एक्सियन कैरेक्टर की एबिलिटी इसमें शामिल है उसके बाद आपको 390 HP मिलता है, इस कारण से ये मतलब कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा से वर्क नहीं करता है क्योंकि एक तो चार्जिंग टाइम बहुत ज्यादा एक्सियन कैरेक्टर की, उसके बाद वो जो एबिलिटी आपको देता है बहुत ज्यादा शॉर्ट टाइम के लिए देता है, इसलिए जो एक्सियन कैरेक्टर की एबिलिटी अच्छा से वर्क नहीं करता है। अदर यूट्यूबर इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि HP गॉड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, HP किंग कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, लेकिन आज मैंने पूरा एक्सपोज कर दिया इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को कि आपको 390 HP तो मिल जाता है लेकिन आप इससे बुइए नहीं कर पाएगा, अच्छा गेम के अंदर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ दिखाने के लिए 390 HP है। मतलब एक कहावत तो आप सुना ही होगा ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं, इसी तरह का ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है। तो आपको वीडियो देखने के बाद खुद ब खुद पता चल गया होगा कि ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है कि नहीं कर रहा है, मतलब आपको खुद ब खुद समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से जरूर से जरूर लाइक करें और चैनल को 100% सब्सक्राइब कर लें।